अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नमस्कार। हिंदू स्वराज की कलश यात्रा एबीवीपी के माध्यम से निकाली गई है। दिल्ली में एबीवीपी का राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम हो रहा है और ये यात्रा वहीं दिल्ली के लिए जाने के लिए देवास से होते हुए जा रही है। देवास का सौभाग्य है कि इस यात्रा का हमें स्वागत करने का मौका मिला और ये कार्यक्रम आज जो सहजी द्वार पे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के सामने शिवाजी महाराज के पूरे जीवन काल के ऊपर जो वाचन आज किया जा रहा है पूरे देवास के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो मैं इसका स्वागत करना चाहता हूँ और इन सभी आयोजक गणों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हर दिवस कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में रखा गया और क्या है पूरा? भैया छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का 350 वर्ष चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हिंदू स्वराज यात्रा का आयोजन करा है जो कि रायगढ़ किले से 28 नवंबर को शुरू हुई है और 7 दिसंबर को जो हमारा विद्यार्थी परिषद का 79वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है दिल्ली में, वहाँ पर वो यात्रा समाप्त हुई। उसी उपलक्ष्य में वो यात्रा देवास नगर में पधार रही है, तो ये कार्यक्रम उसी यात्रा के स्वागत का एवं मंचीय कार्यक्रम होने जा रहा है। यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? मतलब ये यात्रा रायगढ़ किले से शुरू हुई है 28 नवंबर को और 7 दिसंबर को दिल्ली में समाप्त हुई। यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं? यात्रा में एक रथ आ रहा है और उसमें 15 लोगों की एक टीम आ रही है जो कि शिवाजी महाराज के सैनिकों की वेशभूषा में है और रायगढ़ किले से एक मिट्टी का कलश भी आ रहा है जो कि दिल्ली अधिवेशन में जाएगा। क्या उद्देश्य को लेकर निकली थी यात्रा? ये उद्देश्य ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तो 350 वर्ष चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में निकल। आपका नाम और पद? दक्ष यादव, नगर सह मंत्री देवा। शिवाजी महाराज जो ये यात्रा है कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएगी, क्या उद्देश्य को लेकर निकल रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण को 350 साल इस साल पूरे हो रहे हैं और विद्यार्थी परिषद का यह 75वां साल अमृत महोत्सव चल रहा है,
तो विद्यार्थी परिषद के पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा दुर्गराज रायगढ़ से इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली तक 2200 किलोमीटर की यात्रा चार दिन पहले 28 नवंबर से शुरू हुए और 7 दिसंबर तक यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास और हिंदवी स्वराज्य का उद्देश्य इस 5 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। इस यात्रा में आपको दो चीज़ें पीछे हमारे दिख रही होंगी। एक तो दुर्गराज रायगढ़ की प्रतिकृति हमने बनाई है कि जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्यारोहण हुआ था, तो उसकी प्रतिकृति पीछे लगी हुई है। और महाराष्ट्र के जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों से पावन भूमि है, वहाँ के 75 गढ़ किलों की मिट्टी हमने एक कलश में साथ में लाई है और इस मिट्टी का पूरे भारत भर से आने वाले 8000 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का वहाँ पे स्वागत करेंगे, वहाँ पे उनका उनको वहाँ पे मतलब दर्शन मिलेगा। मतलब ऐसा क्या मन में आया कि आपने ये यात्रा निकाली, ये बड़ी ईशान्य बात है कि महाराष्ट्र से आप दिल्ली लेके जा रहे हैं। एक है कि पूरे भारत भर में हम देखते हैं कि यहाँ के स्वजन का, यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्रों का नेतृत्व करने वाला राजा बड़े दिनों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी के रूप में मिला था और इनका इतिहास पूरे भारत को एक तरह से जोड़ने वाला इतिहास है। इसलिए हमने ये सोचा कि पूरे भारत भर में फिर से यह इतिहास दोहराने की जरूरत है। जो इतिहास हमारे स्वजन भूल चुके हैं, उस इतिहास को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जो हमारी स्व की एक शौर्य की भावना है उसको हमें जगाना है। और इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थी परिषद का भी राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो उसका भी एक संदेश इस यात्रा के माध्यम से हम पहुँचाएंगे। मैं अंबादास मेवनकर पश्चिम महाराष्ट्र का कार्यकर्ता हूँ और अभी इस यात्रा का प्रमुख हूँ।